हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, वेलकम है मेरे आप लोगों का। और चलिए है गुड तू कर ले ला गुड मॉर्निंग। सो गाइस, ये एक फ्लिपकार्ट से आया है हमारा ऑर्डर। चलिए इसको ओपनिंग कर लेते हैं। रुक जा मम्मी, बैक कैमरा कर ले। हाँ पार्ट देखते हैं कैसा है यार। अच्छा नहीं है तो मम्मी वापस भेज देंगे। हाँ दुपट्टा तो इनका वैसा ही है मम्मी। ठीक है, होया दुपट्टो यो खोल के दिखाते सारा पहले अच्छे से ना, इन्हें आप लोगों को खोल के अच्छे से दिखाते हैं। ये वही कपड़ा है जो तारे कुर्ता वाला आते हैं नीला वही है। नहीं उससे अलग है मम्मी, नीला वाला। हाँ यो कॉटन है, यो खादी कॉटन है। खादी कॉटन है इसका तो यो है ना, दो बार कितना कट जाएगा। हाँ यो खादी कॉटन है, यो कपड़ा अच्छा है, नीला वाला से अच्छा कपड़ा है। ले पैंट भी दिखा दे, ये प्लाजो और ये दुपट्टा है। यार क्या लोगे गाइस, हमें पड़ा है 560 रुपये का। ठीक है, और 5 ओपन में था, और मतलब क्या ही लोगे यार 560 में। अच्छा ही है, आने जाने में दुपट्टा वगैरह होता है, पिन लगी हुई मम्मी सेफ्टी पिन। बहुत बढ़िया है यार 560 के हिसाब से। और फाइनली लुक जो है इसका पहनने के बाद आप लोगों को वीडियोस में पता चल जाएगा। और चैनल पर नए तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस अनबॉक्सिंग के साथ आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ ब्लॉगिंग में। तो खादी कॉटन इसका जो है फैब्रिक है, बहुत अच्छा है, बढ़िया है। 560 रुपये का ही हमें पड़ा है, 10 रुपये से डिलीवरी चार्ज मेरा लिया था क्योंकि मैंने कैश ऑन डिलीवरी किया ना। बढ़िया, देखिए आप लोग देखिए दुपट्टा कितना प्यारा लग रहा है। और मैं तो शायद फर्स्ट टाइम ये कलर पहनूंगी मम्मी, मेरे पास ये कलर नहीं पहना अभी तक। पहनने के बाद ये कैसे लगेगा वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो तक, आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा। सो फाइनली जो है मैं नहा धो के फ्रेश हो चुकी हूँ, उसके बाद आ चुका है मेरा सेकंड कॉरियर। चलिए इसको भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये आया था हमारा मिंत्रा से, और मैं बता दूँ ये हमने एक ही साथ जो है दो ऑर्डर किए थे, दो सूट हैं कुर्ता एंड प्लाजो सेट के साथ में है। और इसकी अनबॉक्सिंग भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। सो आप लोग देखते रहिएगा व्लॉग पे, वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। सो इसके बाद देखिए मैं इनको अनबॉक्सिंग करती हूँ, एक ही पीस यहाँ पे ओपन करूँगी। मैंने जब अपने लिए मंगवाया था मीडियम, और जो सिस्टर का था वो है था लार्ज। लार्ज मंगवाया क्योंकि कॉटन है तो श्रिंक भी होता है, वैसे मुझे स्मॉल साइज आ जाता है, ठीक है, और स्मॉल आ जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा ना ढीला लूज़ कपड़ा पहनना पसंद करती हूँ, ढीले ढीले, क्योंकि मुझे टाइट फिटिंग कपड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो देखिए मैंने इसीलिए यहाँ पे प्लाजो शो सेट है ना वो मंगवाया है। तो इसके साथ में देखिए प्लाजो में थोड़ा प्रिंट है, और जो कुर्ता था वो बिल्कुल ब्लैक कलर का प्लेन कुर्ता है। तो उस कुर्ते को तो मैं अलग अलग अपने जो है मैचिंग करती रहूँगी किसी किसी साथ चीज़ों के साथ में, वो आप लोगों को मेरी वीडियोज़ में पता चलता रहेगा, क्योंकि मैं ब्लैक कुर्ता मुझे अरे करंट तो नहीं है इसमें, करंट नहीं है, एक जला ना एक, अरे दोनों चले जाएंगे यार, मैं नहीं जलने की। दे 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 कड़े ना, अरे तो वो अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और देखिए इसकी वजह से ना मेरे घर की क्या हालत हो गई है, बहुत बेकार हो गया मेरे घर की हालत, क्योंकि आप लोग जानते होंगे जब तबीयत ठीक नहीं होती है ना तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। क्या बदतमीजी है ये, मैं परेशान कर रही है, तबीयत ठीक नहीं मम्मा की, फिर भी सो गाइस आप लोगों को पता होगा मेरी जो तबीयत है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। सो ये ब्लॉग मेरा काफ़ी टाइम पहले का था, तो मैंने सोचा चलो इसको आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। फाइनली आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, और बाकी थोड़ा एक दो दिन में जैसा भी मुझे अपने तबीयत में कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा
तो फिर मैं आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी शॉर्ट वीडियोस लेके आऊँगी, क्योंकि शॉर्ट वीडियो बनाने का भी बिल्कुल टाइम नहीं है। सबसे बड़ी बात तो टाइम तो छोड़ो यार, अभी मेरे को तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब है कि आपको मेरे फेस से भी पता चल रहा होगा, बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी है। कल तो सडनली मेरे साथ ऐसा हो गया कि मैं मतलब बेड से भी नहीं उतर पा रही थी। बस मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, और आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहेगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बाकी मैं बता दूँ, आप लोगों ने देखा ही होगा जो हम लोग रेंट पे जो मकान देखा है, वो आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है। और क्योंकि यहाँ पे हमें जो है प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि एक ही रूम है ना, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है, इसलिए हम सोच रहे हैं थोड़ा बड़ा ले लेंगे। बाकी आप लोग बताइएगा कॉमेंट करके आप लोगों को कैसा लग रहा था, क्या बोलना है, मैं तो भूल भी जाती हूँ बोलते बोलते। मैंने सुना ना, जो नहीं बोलेगा ना सही से उसका ब्लॉग नहीं चलता। आप लोग देखते नहीं है ब्लॉग, पता नहीं देखते हैं तो लाइक नहीं करते हैं, और वीडियो पता नहीं अच्छी नहीं लगती है, आप लोग जो है एक सेकंड के लिए वीडियो चलाते हैं बंद कर देते हैं, क्या है वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन प्लीज़ आप लोग वीडियो को फुल वॉच करिए, ठीक है। और लाइक कॉमेंट ज़रूर करके जाए, कॉमेंट नहीं भी करते हैं तो लाइक ज़रूर करके वीडियो को जाया करें, ताकि मुझे पता चलेगा कि हाँ चलो जिसने भी वीडियो देखा है वो लाइक ज़रूर कर रहा है, क्योंकि व्यूज़ तो बनते हैं, लाइक नहीं बनता है तो फिर उससे मज़ा ख़राब हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। देखिए जोरा यहाँ पे सो गई है, ठीक है गाइस। सो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय, ठीक है गाइस, ओके बाय।